बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर के हकूक जो लड़की को शादी से पहले बताना ज़रूरी है। एक औरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं गैर शादीशुदा हूँ, अब शादी करना चाहती हूँ, मुझे शोहर के हकूक बतलाइए। आपने इरशाद फरमाया कि शोहर के बहुत से हकूक हैं। इसका एक हक तो ये है कि अगर वो ऊँट पर सवार हुआ और सोबत करना चाहे तो तुम इनकार ना करो। मतलब ये है कि जिस वक्त भी और जिस आलम में भी वो उसकी ख्वाहिश करे, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। एक हक ये है कि शोहर के घर की कोई चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर ना दो। अगर दोगी तो खुद को गुनाहगार होगी, लेकिन शोहर को सवाब मिलेगा। एक हक ये है कि नफली रोज़े उसकी इजाज़त के बगैर ना रखो। अगर इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखा तो वो ला हासिल होगा। हक ये है कि शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना जाओ। अगर ऐसा करोगी तो फरिश्ते उस वक्त लानत भेजते रहेंगे जब तक तुम वापस आकर तौबा ना कर लोगी।